अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फेक अप अब्दुल्ला। हाँ तो भाई, आपका भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो चुका है। और आज है छठी बोल रहा हूँ, आज है दसवीं सरी। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि ना यार, असल में सीन ये हुआ, मेरी आँख लग गई 2:30 के करीब। और शुक्र मैं अलार्म लगा दिया था, चूँकि मुझे नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था सो जाऊँगा, तो मैंने एहतियातन अलार्म लगा दिया था। तो अचानक आँख लगी, फिर जब मेरी अलार्म बजा और आँख खुली, तो फिर मैंने बोला यार मैं बगैर सही कर रोज़ा रख लेता हूँ। फिर मुझे याद आया, अरे यार नहीं, वो चैलेंज उठाया हुआ है, वीडियो भी तो कंप्लीट करनी 30 दिन तक। मैंने बोला नहीं, उठो ज़बरदस्ती वेकअप कर अपने आप को और फिर आपके सामने। खैर तो किचन में चलते हैं, देखते हैं शहरी में क्या बन रहा है, और के वही देखते हैं शहरी कहाँ तक पहुँची। खैर बाकी शहरी रेडी हो चुकी है, हमारे पास हमारा आमलेट रेडी है, चाय रेडी है और पराठे रेडी हैं कड़क कड़क। तो मिलता हूँ शहरी के पास। हाँ तो भाई, बस शहरी कर ली हमने, नमाज़ पढ़ ली हमने और कुरान भी पढ़ लिया, रोज़े की नियत कर लेते हैं। वबी सौमी कज़े नवई तो मिन शर रमज़ान। हाँ तो सुबह का सीन ये है कि यार सुबह एक क्लास है मेरी, और क्लास है 11 बजे, और यानी कि 8:30 पर उठना पड़ेगा। और तैयार होकर जब तक निकलेंगे और जब तक हम वीडियो शूट करेंगे, जब तक हमारा टाइम हो जाएगा पहुँचने पहुँचते। तो मुलाकात होती है सुबह उठ के। बाकी यार एक सीन और, हाँ एक सीन मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने रमज़ान ख़त्म हो जाए, रमज़ानों के बाद मैंने 2-3 वीडियो ऐसी सोची हैं जिसमें आपको मज़ा आएगा, यानी कि होगा तो व्लॉग ही वो, लेकिन ऐसा थोड़ा कुछ अलग हटके होगा उसमें, यानी कि कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन मज़ा आने वाला है रमज़ानों के बाद। मैं इससे सब्र नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब रमज़ानों में बना दूँ, लेकिन रमज़ानों में बना नहीं सकता ना अभी, तो चूँकि डेली व्लॉग चल रहा है अभी, तो रमज़ानों के बाद वो चैलेंज मैंने रखा है। तो जब तक मेरे पास उस चैलेंज के लिए सामान भी इकट्ठा करना है, तो जब तक वो भी हो जाएगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा एक बात बता दूँ। तो सुबह उठ के मुलाकात होती है, सी यू इन दी मॉर्निंग। बस अभी सो के उठा हूँ और मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, रेडी होकर आप लोगों से मिलता हूँ। बाकी आउटफिट चेक करो आज का आपके भाई का। हाँ तो भाई, बस अभी तैयार हुआ, मुँह हाथ धोया, फ्रेश होके रेडी हो चुका हूँ। तो बस अब निकलने वाली करनी है, क्योंकि क्लास है हमारी 11 बजे, टाइम होने वाला है, तो फिर यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुँच के मिलता हूँ आपसे। हाँ तो भाई, बस मेरी क्लास अभी ख़त्म हुई है, और आज मेरी क्लास थी अप्लाइड फिजिक्स की। तो बस अब घर निकलने वाली करनी है, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़नी है, तो फिर घर पहुँच के फिर मैं लगा देती हूँ। हाँ तो भाई, असल में सीन ये हुआ कि यूनिवर्सिटी से घर आने के बाद मुझे नींद इतनी आ रही थी। ऑलवेज तुम लोग बोलोगे यार, हर वक्त तुम्हें यूनिवर्सिटी से आने के बाद नींद क्यों आती है, ऐसा क्यों है? तो यूँ है कि मैं रात में जागा हुआ होता हूँ, इस वजह से मुझे नींद आती है। तो खैर मैं सो गया था, अभी सो के उठा हूँ, लग रहा होगा एकदम फ्रेश फील आ रहा है ना। तो मैं सोच रहा था यार किचन में चलते हैं, देखते क्या बन रहा है इफ्तार में, क्योंकि यार भूख इतनी लग रही ना आज, मैं चल चल के ना बस समझो ख्वार हो गया। खैर तो किचन में चलते हैं, देखते हैं और क्या बन रहा है। इधर आओ, आज तुम्हारा पेपर था ना, कौन सा, रेसिस्ट्री का था ना? क्या, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? अच्छा हुआ। क्या क्या आया तुम्हारे पेपर में, कितने क्वेश्चन आए, तुमने क्या क्या करा आज, जरा बताओ। 5 में से कितने करे तुमने? सारे करे, चॉइस नहीं दी थी मिस ने, ये 4 कर लो 3 छोड़ो, क्या करा फिर? 10 में से 5 करने थे, 5 करे 5 छोड़ दिए, इतनी चॉइस दे दी मिस ने। नहीं मिस देती हूं चॉइस, 10 में से सिर्फ 5 करने थे। हां वाह, तुम्हारी मिस बड़ी अच्छी है। हमारी मिस 10 क्वेश्चन देती थी, बोलती थी इसमें से 8 या 9 करो। आजकल के बच्चे। हाँ तो भाई, मैं आ चुका हूँ किचन में, आपका भाई आज है आप लोगों का मास्टर शेफ। हमारे पास दिखाओ, ये देख रहे हो आप लोग, फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल कड़क फ्रेंच फ्राइज रेडी नहीं है, अभी इनको हम पकाएंगे। इसमें हम लगाएंगे कॉर्नफ्लोर रेडी है, और उसके बाद हम इसको, कैमरामैन दिखाओ, ऑडियंस को कढ़ाई दिखाओ, शाबाश, बस अपनी शक्ल नहीं दिखाना, बस पीछे आ जाओ, इतना नहीं बोला बस, हाँ जैसे, शाबाश, फोकस रखना आज अपने भाई पे। तो हम इन दोनों चीज़ों को आज इसमें मिक्स करेंगे और फिर इनको इस ऑयल में फ्राई करेंगे, तो इन दोनों को मिक्स कर। हाँ तो भाई, हमने ये दोनों चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं, देख सकते हो ना, फुल कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुका है।
तो अभी हम इसको डालने वाले हैं कढ़ाई में। तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तो हम इसको डालने वाले कढ़ाई में। तो डालते हैं कढ़ाई में। कैमरा मैन कम हेयर बेबी, और बल्कि रुक जाओ, हाथों पे छींटे ना आया, मेरी शक्ल पे ले लो, हाथों पे छींटे ना आए। तो हम इसको पहले इसमें लेते हैं। ओफो, तो हम इसको ये देख रहे हो आप कैसे तड़प रहा है ये इब्राहिम, दिखाओ इधर, ये देखो कैसे ऐसे ऐसे तड़प रहा है। क्या हुआ उधर दिखाओ, और इधर दिखाओ, फिर इधर फिर दिखाओ, बिल्कुल ऐसे ही तबक है। तुम कैमरा ऊपर नीचे कर रहे हो यार, मैंने तुम्हें सेटिंग करके दिया यार ब्रो। खैर, तो अभी हम इसमें और डालते हैं चिप्स, देख लो ना फुल। इब्राहिम बेटा दिखाओ जरा, तो जब तक ये पकेगा हम आपसे मिलते हैं इसको पकाने के बाद, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा कड़क होने में। तो तुम्हें तुम कहाँ से आ गई, मैं पता नहीं, आज का मास्टर शेफ मैं हूँ। हाँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं यार। अब ये करारे करारे जो मज़ा कराएंगे ना, ओफ वो क्या बताऊँ बस। तो फटाफट इनको देखो ऑयल से निकालते हैं और फिर आपको डिस्प्ले पे दिखाते हैं। तो ये हमारे फ्राइज़ हमारे पास रेडी हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कितने कड़क कड़क फ्राइज़ बने हैं, और आपका भाई इनके शॉट बना रहा है, और मुझे देखते देखते यार भूख लगने लग गई है। खैर, तो अब अफ्तारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, अजान होने का फिर मुलाकात होती है। हाँ तो भाई मज़ा आ गया, बाकी आज पेट भर गया अफ्तारी करके, और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुमने रिस्क अदा किया हमें बगैर किसी कुव्वत तो ताकत के। और बाकी यार आज ना उसका दिन बड़ा ख़तरनाक गुजरा है। खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। फातिमा तुम कुछ बोलना चाहोगी आवाम से, कुछ अपील तुम्हारी, कुछ फरियाद तुम्हें, कुछ नहीं नहीं इसका कुछ होता है, ये ऑफ कैमरा ऐसी बन जाती है और ऑन कैमरा एकदम शर्मा जाती है। मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब जब इसको अपनी वीडियो शूट करनी हो, ये ऑन कैमरा ऐसे रहती है फुल, क्या बताऊँगा इसका। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सैरी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।